से मुलाकात हुई, क्या कहना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, कलाकार के बारे में, किस तरह की? सबसे पहले तो संगीता जी को हैप्पी वाला बर्थडे। और संगीता जी मुझसे बड़ी है लेकिन देखा जाए तो मुझसे छोटी है। मेरा बर्थडे 7 को आता है और इनका बर्थडे 14 तारीख को आता है। और हम लोग हर बार 7 दिन के गैप में हमारी पार्टीज होती है। इस बार भी है, 7 को हमारी पार्टी सेलिब्रेट हुई थी और आज उनकी पार्टी हम लोग सेलिब्रेट करने, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। संगीता जी आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, आप बहुत अच्छी हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। तो कभी किसी प्रोजेक्ट में साथ में काम किया आपने? हाँ, हमने एक फिल्म साथ में की थी बट हमारे सीन साथ में नहीं थे। फिल्म का नाम बहुत अच्छा था, हीरो गमछा वाला। संगीता जी उसमें हमारे साथ में थी। संगीता जी के लिए आप ये लेकर आई, उसमें तीनों कलर के फूल नजर आ रहे थे, किस तरह से आपने चयन किया कि तीनों फूल होने चाहिए? संगीता जी बहुत कलरफुल हैं और हमारी फ्रेंडशिप भी जो है इतने सालों से वो बहुत हमेशा कलरफुल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि तीन कलर्स ही हैं इसमें, क्यों ना इसमें तीन कलर्स का बुके में लेके जाऊँ। अभी रिसेंटली मेरी फिल्म रिलीज हुई है नागराज, और आने वाली फिल्मों में अभी जस्ट मेरी आज एक आने वाली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, मुन्ना मवाली, खुददार, गिरफ्तार, प्यार कहे बनाया राम ने, और एक और अच्छी और बड़ी फिल्म है जो कि फ्लोर पे सितंबर में जाने वाली है, तो उसके लिए मैं जल्दी से आप लोगों को अपडेट करूँगी।